आज की इस वीडियो में आप पोकेमोन के पूरी दुनिया में इतना ज्यादा पॉपुलर एंड सक्सेसफुल होने के पीछे के रीजंस को जानेंगे। आप जानेंगे कि पोकेमोन ना सिर्फ एनिमे बल्कि गेमिंग इंडस्ट्री के मामले में भी जापान से निकलकर वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के बीच में इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हो गया। हमेशा की तरह मैंने इस वीडियो के पॉइंट्स को पार्ट्स में डिवाइड किया है और इन पॉइंट्स में हम लोग पोकेमोन एज एन एनिमे से लेकर पोकेमोन एज एन एंटरटेनमेंट बिजनेस की पॉपुलैरिटी और सक्सेस को समझने की कोशिश करेंगे। एंड आफ्टर दिस शॉर्ट इंट्रो लेट्स स्टार्ट द पॉइंट नंबर 1, जिसमें हम टाइम को रिवर्स करके उस वक्त में जाने वाले हैं जब पोकेमोन की शुरुआत एक वीडियो गेम की तरह से हुई थी। दैट्स व्हाई पॉइंट नंबर 1 का नाम है नेम एंड गेम। तो पॉइंट नंबर 1 नेम एंड गेम में हम लोग बात करेंगे पोकेमोन फ्रेंचाइज के ऑलमोस्ट सबसे पुराने एंड स्टार्टिंग वीडियो गेम की, जिसने सही मायनों में पोकेमोन एज अ फ्रेंचाइज का बेस बिल्ड किया था। और इस गेम का नाम था पॉकेट मॉन्स्टर्स रेड एंड ग्रीन, जो कि 1996 फरवरी में गेम बॉय नाम के एक गेमिंग कंसोल पर रिलीज हुए थे। लेकिन पोकेमोन की रियल स्टार्ट गेम बॉय से भी कुछ साल पुरानी है। 1980s में सातोशी ताजिरी एंड केन सुगिमोरी नाम के दो लोगों ने मिलकर गेम फ्रीक नाम की एक गेमिंग मैगजीन पब्लिश की थी, जिसमें सातोशी राइटर थे एंड केन सुगिमोरी एक इलस्ट्रेटर थे। और गेम फ्रीक मैगजीन के अंदर पहली बार पॉकेट मॉन्स्टर्स का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने आया था। लेकिन उस वक्त आर्केड वीडियो गेम्स का इतना ज्यादा क्रेज ना होने की वजह से सातोशी और केन इस बात को समझ चुके थे कि सिर्फ मैगजीन से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए उन्होंने खुद से गेम डेवलपमेंट करना डिसाइड किया। स्टार्टिंग में उन दोनों ने मिलकर नेस, गेम बॉय, निंटेंडो एंड सागा जैसे टाइटल्स के लिए भी गेम प्रोड्यूस किए थे। और वीडियो गेम डेवलपमेंट के इस एक्सपीरियंस के बाद सातोशी ताजिरी ने पहली बार पॉकेट मॉन्स्टर्स का आइडिया निंटेंडो के साथ शेयर किया। और क्योंकि पॉकेट मॉन्स्टर के टाइटल्स गेम फ्रीक मैगजीन में पहले से ही थोड़े पॉपुलर थे, इसीलिए ताजिरी निंटेंडो को अपना आइडिया पिच कर पाई, एंड जिसके बाद पॉकेट मॉन्स्टर्स रेड एंड ग्रीन नाम का एक वीडियो गेम बिल्ड हुआ, जिसका कॉन्सेप्ट था बहुत से डिफरेंट मॉन्स्टर्स को कलेक्ट एंड ट्रेड करना। पॉकेट मॉन्स्टर्स रेड एंड ग्रीन के रिलीज के बाद ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट गेमिंग फ्रेंचाइज बन गई थी, एंड ऑब्वियसली द फर्स्ट वन वाज मारियो। रेड एंड ग्रीन एक बेसिक इंटरफेस वीडियो गेम था, जिसमें प्लेयर्स एज अ पोकेमोन ट्रेनर बनकर मॉन्स्टर्स को कलेक्ट करते थे। और पोकेमोन रेड एंड ग्रीन की इस पॉपुलैरिटी के बाद आई सीरीज पोकेमोन ब्लू, जिसमें बेटर ग्राफिक्स एंड बेटर साउंड क्वालिटी थी। एंड आफ्टर सम रिसर्च ऑन दिस टॉपिक मैंने ये पाया है कि स्टार्टिंग डेज में इन्हीं वीडियो गेम्स ने पोकेमोन को एज अ फ्रेंचाइज एस्टेब्लिश करने में बहुत मदद की थी। और इन वीडियो गेम्स के इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाने के बाद पोकेमोन का नेक्स्ट फेज शुरू हुआ। और उस नेक्स्ट फेज को जानने के लिए चलते हैं अपने इस वीडियो के पॉइंट नंबर 2 पे। 1980s से लेकर 1996 तक पोकेमोन वीडियो गेम्स की मार्केट पूरी तरह से फैल गई थी। डिजिटल वीडियो गेम्स की मार्केट बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही थी, लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसी चीजें भी थी जो कि उस वक्त के ऑडियंस के बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी, और उन चीजों को कहा जाता था बोर्ड एंड कार्ड गेम्स। 1996 में पोकेमोन के डिजिटल वीडियो गेम्स की सक्सेस के बाद उस साल यानी 1996 में ही मीडिया फैक्ट्री नाम के एक प्रोडक्शन हाउस ने पोकेमोन के ट्रेडिंग कार्ड गेम्स एंड ट्रम्प कार्ड्स को रिलीज किया था। इन कार्ड्स के कुछ अपने रूल्स थे जो कि प्रीवियस गेम से अलग थे। इन ट्रेडिंग कार्ड्स के आ जाने के बाद पोकेमोन फ्रेंचाइज ने न सिर्फ डिजिटल गेम्स पे अपना इम्पैक्ट डाला बल्कि बोर्ड गेम्स एंड कार्ड गेम्स पे भी अपना अच्छा खासा असर डाला था। पोकेमोन के डिजिटल एंड कार्ड गेम्स की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि उसके ऊपर 1996 में ही एक मांगा भी बन गई थी, जिसे कोसाकु अनाकुबी ने शोगाकुन के लिए क्रिएट किया था। ये एक टिपिकल पोकेमोन मांगा की तरह से ना होकर सिर्फ एक गैग ह्यूमर मांगा थी, लेकिन वीडियो गेम्स और मांगा से मिली इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी के बाद 1 अप्रैल 1997 में पोकेमोन को एक ऑफिशियल एनिमे एडेप्टेशन दी गई। एक पोकेमोन एनिमे जिसकी स्टोरी एक यंग पोकेमोन ट्रेनर के ऊपर थी, जिसका नाम था सातोशी, उसे पहली बार टेलीविजन पे टेलीकास्ट किया गया। और बढ़ते टाइम के साथ पोकेमोन एनिमे के इंग्लिश वर्जन में सातोशी का नाम बदलकर एश कैचम रख दिया गया, और उसी के साथ एक कैरेक्टर और भी था जो कि एक तरह से सातोशी का ओपोनेंट था, और उसका नाम था शिगेरू, जिसे अगेन इंग्लिश वर्जन में क्रिएट करके गैरी ओक का नाम दिया गया। उस वक्त उन सालों में पोकेमोन फ्रेंचाइज बहुत हद तक अडेप्ट एंड इवॉल्व हो रही थी, लेकिन ये सब सिर्फ जापान के अंदर ही हो रहा था, और सही मायनों में पोकेमोन की असली आंधी तो अभी आनी बाकी थी। 1919 में जापान टीम ने नॉर्थ अमेरिका को पोकेमोन वीडियो गेम पोकेमोन रेड एंड ब्लू के वर्जन एंड एनिमे राइट्स दिए, और अमेरिकन ऑडियंस के सामने आते ही मानो पोकेमोन ने उन्हें किसी तरह के कंट्रोल में कर लिया। देखते ही देखते एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल पोकेमोन के गेम्स को खेलने लगे और एनिमे को देखने लगे, और पोकेमोन की एक पर्टिकुलर लाइन को उन्होंने इतना पसंद किया कि वो उसे पोकेमोन के बैनर की तरह से जानने लगे। एंड आई नो कि आप सब भी उस लाइन को जानते होंगे। जी हाँ, ये वही लाइन थी, गड़ा कैच एम ऑल। नॉर्थ अमेरिका में पोकेमोन वीडियो गेम्स और एनिमे का क्रेज चल ही रहा था कि जैपनीज टीम ने 1919 में उन्हें पोकेमोन ट्रेडिंग कार्ड से इंट्रोड्यूस कराया, और इसके बाद तो पोकेमोन जैसे सातवें आसमान में था। यहाँ तक कि पोकेमोन की एक मांगा द इलेक्ट्रिक टेल ऑफ पिकाचू पोकेमोन की पहली ऐसी मांगा बनी जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके विज मीडिया के थ्रू पब्लिश किया गया। और अगर मैं आपको सही बताऊं तो ये तो सिर्फ एक स्टार्ट थी, अभी ऐसी बहुत सी चीजें होनी बाकी थी जो कि दुनिया ने शायद ही कभी देखी थी। पोकेमोन फ्रेंचाइज बहुत ही तेजी से ऊपर जाती जा रही थी और बहुत से न्यू एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करती जा रही थी, बट अगर मैं इस वीडियो में आपको वो सारे एलिमेंट्स बताता चला गया तो ये वीडियो सच में बहुत ही लंबी बन जाएगी। दैट्स व्हाई आई थिंक कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद पोकेमोन एनिमे एंड मांगा की सक्सेस के बारे में पता चल गया होगा। इसीलिए अब हमारे फेज 2 को यहीं तक रखते हुए चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, एंड फाइनली अब हम आते हैं उस पॉइंट पे जो कि पर्सनली मेरे
मेरे हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है जिसकी वजह से आज पोकेमोन इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, और उस रीजन या उस पॉइंट को मैंने नाम दिया है चेंज विदाउट चेंजिंग। सुनने में ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, दैट्स व्हाई चलिए इसे थोड़ा ढंग से समझते हैं। 1996 में जब पोकेमोन फ्रेंचाइज स्टार्ट हुई थी, तब से लेकर आज 2020 तक पोकेमोन में बहुत से चेंजेस आ चुके हैं, फिर चाहे वो चेंजेस स्टोरी से रिलेटेड हो या फिर पूरी की पूरी फ्रेंचाइज में ओवरऑल चेंजेस हो। पोकेमोन के मेन प्रोटैगनिस्ट एश कैचम, उसके पावरफुल पिकाचू और उसके दोस्तों ने मिलकर ऑडियंस के सामने एडवेंचर और एंटरटेनमेंट का एक बहुत ही ऑसम कॉम्बिनेशन बिल्ड किया है। एश और उसके दोस्तों ने बहुत सी पोकेमोन बैटल्स लड़ी है, बहुत से टूर्नामेंट्स में पार्ट लिया है, फाइनली बहुत सालों के वेट के बाद एलोला लीग को भी जीता है, एंड इसके साथ ही बहुत से चेंजेस को फेस किया है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी जो चीज चेंज नहीं हुई है वो है खुद एश कैचम और उसका पिकाचू। इतने सालों से पोकेमोन देखते आ रहे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। बचपन में जो पोकेमोन के ट्रम्प कार्ड्स के साथ खेलते थे, अब वो बड़े होकर अपने कॉलेजेस या ऑफिस में फाइल्स के साथ खेलते हैं। पर इतने सालों के बाद भी उनका जो फेवरेट पोकेमोन कैरेक्टर था वो उनके साथ बड़ा होने के बजाय अभी भी उतने ही साल का है जितना वो पहले हुआ करता था। इनफैक्ट अगर अपीयरेंस वाइज देखा जाए तो एश कैचम कहीं ना कहीं एज में और भी ज्यादा छोटा लगने लगा है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्यों किसी दूसरे एनिमे की तरह एश कैचम भी अपनी सीरीज के साथ बड़ा नहीं हुआ? इस बात का जवाब अगर मैं मेरे ओपिनियंस के हिसाब से दूं तो एश कैचम के बड़ा ना होने के पीछे की जो वजह है वो है पोकेमोन फ्रेंचाइज के प्रोड्यूसर्स एंड बिजनेस पर्सनैलिटीज के डिसीजंस। एश कैचम या फिर पोकेमोन में किसी और को बड़ा ना करना एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी हो सकती है, और मेरे ख्याल से यही वो चीज है जिसकी वजह से पोकेमोन हर एक जनरेशन के बच्चों के फेवरेट शोज में से एक रहा है। जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो उसे कुछ स्पेसिफिक एज ऑफ ऑडियंस को टारगेट करके बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एनिमेज में हमें हर एक एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जॉनरास देखने को मिलते हैं, और इसी तरह पोकेमोन भी जब पहली बार स्टार्ट हुआ था तब उसे भी उस वक्त के किड्स एंड टीन्स के अकॉर्डिंग बनाया गया था। लेकिन टाइम के साथ साथ जब उस जनरेशन के बच्चे बड़े होने लगे तो बाकी एनिमेज की तरह पोकेमोन कैरेक्टर्स को भी बड़ा हो जाना चाहिए था, बट फ्रेंचाइज ने उन्हें सेम एज का रखने के बारे में इसीलिए सोचा होगा ताकि जो न्यू जनरेशन के बच्चे आए वो भी पोकेमोन को वैसे ही देखें जैसा कि वो हमेशा से था। और ठीक ऐसा ही हुआ। न्यू जनरेशन ने पोकेमोन को न्यू स्टोरीज बट सेम कैरेक्टर्स के साथ जब देखा तो वो उनसे जल्दी से कनेक्ट कर पाए, और क्योंकि पोकेमोन के प्रीवियस फैंस जो कि अब बड़े हो चुके थे वो भी अब तक पोकेमोन को नहीं भूले थे, जिसकी वजह से फ्रेंचाइज के पास दो डिफरेंट जनरेशन के ऑडियंस का सपोर्ट हो गया था। एंड अकॉर्डिंग टू मी उसी ह्यूज सपोर्ट ने आज पोकेमोन को वर्ल्ड फेमस और एक सक्सेसफुल सीरीज बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और मेरे पर्सनल ओपिनियंस एंड टॉपिक रिसर्च के हिसाब से ये थे वो पॉइंट जिन्होंने बीते सालों में पोकेमोन को हमेशा इवॉल्व किया है एंड उसे ओवर द टाइम एक सुपर पॉपुलर एंड सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बना दिया है। जिस तरह से हर एक पोकेमोन अपने आप में खास होते हैं और सबकी पावर्स एक दूसरे से डिफरेंट होती है, ठीक वैसे ही ये सिर्फ मेरे ओपिनियंस थे। एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखकर आपके दिमाग में भी बहुत से ओपिनियंस आ रहे होंगे, या फिर आपको पोकेमोन के बारे में कुछ ऐसी बातें पता होंगी जो कि शायद मुझे या फिर किसी और को ना पता हो। दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट कि आप अपने वो सारे ओपिनियंस और सारी बातों को कमेंट करके मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपकी तरफ से एक कमेंट और एक लाइक करने की वजह से इस वीडियो पे लगे एफर्ट्स को एक ऑसम सपोर्ट तो मिलेगी ही, बट इसके साथ ही मुझे भी बहुत से ऑसम ओपिनियंस को पढ़ने का मौका मिलेगा। और फाइनली अगर आपको इस वीडियो और हिडन कैलिबर का कंटेंट सही में अच्छा लग रहा है, देन आई सजेस्ट कि आप इस तरह के और इससे भी ज्यादा इम्प्रूव्ड वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए हिडन कैलिबर नाम के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। और अब इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ तक देखने और हिडन कैलिबर को अपना ऑसम सपोर्ट देने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।